जनपद स्थान है गुवाहाटी असम जी जी। आचार्य जी मैं ना 2010 से अप्लाई कर रही हूँ नौकरी के लिए, पर कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरा बहुत कोशिश कर रही हूँ, तो आचार्य जी मुझे क्या करना चाहिए, नौकरी या कोई और बिजनेस ऑप्शन, या क्या मेरे लिए सही रहेगा, और गवर्नमेंट सर्विस हो कि नहीं मुझे जाना था। सुनिए, अब आप सुनिए, मूलांक दो के साथ जब भी जीरो आता है तो चंद्र के साथ प्लूटो है, चंद्र अपने हाईएस्ट ऑक्टेव पे होता है। ऐसी स्थिति में चंद्र अगर मिथुन की राशि ऊपर हो, जैसे आपका है, भाग्य अंक 7 का हो, इसमें देखो तीनों में तीनों के तीनों फीमेल प्लैनेट है, आपकी अपनी कुंडली में चंद्र दोष है। चंद्र दोष जब भी होगा आपकी जिंदगी में, बाकी दर्शक भी जान ले, तो रफ्ता रफ्ता आपको बिल्कुल आपकी उम्र बीत जाती है, चाहे शादी की बात हो चाहे जॉब की बात हो, इंतजार आपको तमाम उम्र करना पड़ता है। इसके लिए चंद्र दोष का उपाय तुरंत करवाएं, जब तक करेंगे नहीं आगे आपके जीवन नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपका अपना शुभ समय शुरू हो चुका है, ये आपका चलेगा अप टू 27 दिसंबर 2018 तक, जो भी होना है आपका सब कुछ उसी के बीच में हो जाएगा। लेकिन चंद्र दोष का जब तक उपाय नहीं करते, उसमें आपने क्या करना है, रात को 12 बजे के बाद आपने रोजाना ओम चंद्राय नमः एक कागज के ऊपर लिखना है, प्रातःकाल उसको जल प्रवाह कर देना है। 90 दिन लगातार अगर आप ऐसा करते हैं, तो 90वें दिन आप क्या करेंगे कि आपने माता दुर्गा के मंदिर में जाके या आप भगवान शंकर के मंदिर में जाके एक चंदन के ऊपर ओम चांद चंद्रवाय लिखकर उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए, निश्चित तौर के ऊपर आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए अब वक्त हो गया है कि ये जाने हम कि अन्न के अनादर से कैसे बचा जाए और क्या क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहली बात है कि धन जो हमारा खाना है, हमारा सबसे बड़ा धन है। हम कई बार कहते हैं पेट ना पइया रोटियां ते सबे गल्ला कोटियां, एम्प्टी स्टोमेक, आपको कुछ नहीं सूझता, कोई प्रिय नहीं लगता, कोई प्रिय नहीं लगता। लेकिन खाने का जो ढंग है, ये एक अपने आप एक आचरण है, एक स्थिति है, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक रख सकते हो। उसमें आप क्या करेंगे, पहली बात है, जब भी आप खाना खाएं तो पहले तो हाथ धोइए, फिर खाने का सत्कार कीजिए, अन्न देवता का अन्नपूर्णा का नमस्कार कीजिए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए, हे प्रभु तुमने हमें अन्न प्राप्त किया है, अन्न दिया है। और उससे अगर आप ऐसी चीज करते हैं तो आप कभी भी अन्न से वंचित अपने जीवन भर नहीं होंगे, और आपके ऊपर अन्न देवी की अन्नपूर्णा देवी कृपा होगी, और आपका स्वास्थ्य कभी भी जीवन में खराब नहीं होगा। अगर इस प्रकार की स्थिति आप रखते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपका बुध की कृपा और इसके साथ केतु की ऊपर का मंगल की कृपा, जितने भी 7 अनाज हैं उसकी कृपा तो होगी ही। लेकिन एक बात सुनिए, सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है, जब भी हम खाना खाते हैं किसी ना किसी रूप में 5 के 5 तत्व जल पानी आकाश अग्नि पृथ्वी, ये सब कुछ अगर नीचे बैठ के खाते हैं और भी अच्छा है। तो 5 तत्वों को प्राप्त करने के लिए भोजन का संयम के साथ आचरण के साथ खाना अति आवश्यक है। अगर आप ऐसा करते हो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आपको धन की या अनाज की कमी कभी नहीं रहेगी। ऑल द बेस्ट। अगली कॉलर हमारे साथ मलकापुर से जुड़ चुकी है, मंगला है हमारे साथ। मंगला, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार जी। हाँ, मेरे बेटी के बारे में पूछना था। नाम जी आप? हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17/6 जी 91। आप वर्ष क्या बता रहे हैं, साल क्या है उनका? 91 यानी कि 91। हाँ, 17/6 जी 17 17/6 91। हेलो, 1979 बोल रहे हैं। आप 91 कह रही हैं या 17/1/1/7 कह रही हैं? 17/6 17/6 19, हाँ जी 1900 क्या? 91। माफ कीजिएगा मंगला जी, लेकिन हमें हम हमें समझने में थोड़ी सी दुविधा आ रही है कि आप 17/6/91 मैडम, आप अगर ये बता सके कि 1991 है ये क्या? 79 है या 91 है? चलिए हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, मंगला जी से हम बात नहीं कर पाए, खेद है हमें। प्रशांत फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोल्हापुर से। प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सवाल पूछ सकते हैं।
प्रशांत आप सुन पा रहे हैं? प्रशांत जी नमस्ते मैडम। नमस्कार नमस्कार, बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ? नमस्ते, हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ? नमस्ते आचार्य जी। जी आप अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थल और समय बताइए। 7/4/1974। जी, समय और स्थल? जन्म महाराष्ट्र सतारा। प्रश्न बोलिए। 6:02। प्रश्न बोलिए। प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं? मेरा बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है मेरा, और घर में अशांति रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है। सुनिए सुनिए, शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, सुनिए पहली बात, और बिजनेस के लिए प्रोग्रेस के लिए भी। हाँ, सुनिए आप, एक तो आप अपने नाम के स्पेलिंग में परिवर्तन कीजिए, आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ बिल्कुल अनुकूल नहीं है, कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाएगी। प्रशांत में आपने डबल एन लगाना है, एन अंक जो है ये 5 का कारक है, बुध का कारक है, आपकी बुद्धि और विकास के लिए बेहतर होगा, परिवार के लिए बेहतर होगा। दूसरी बात, आपका अपना समय इस वक्त बिल्कुल अच्छा शुरू हो चुका है, ये आपका 2019 तक शुभ रहेगा और आपका काम अच्छा चलेगा। लेकिन घर का जब चौथा भाव देखते हैं, घर के दृष्टिकोण से आपने क्या करना है? पहली बात, घर में जितनी पुरानी वस्तुएं उनको निकाल दीजिए, और घर की दक्षिण दिशा में क्या करेंगे, अपने परिवार का चित्र वहां पर लगाइएगा, और प्रातःकाल उठकर उस चित्र के आपने दर्शन जरूर करने हैं, और जहां पर आप चित्र लगाएंगे वहां पर कोई ना कोई दिया या कहीं ना कहीं प्रकाश वहां पे जरूर रखना है, और अपने घर में सारी लाइटें कभी ऑफ नहीं करनी, एक कमरे में सारी रात प्रकाश उज्ज्वल कीजिए। अगर ऐसा करती हैं प्रशांत जी, 100% आपको लाभ होगा। धन्यवाद। और छोड़ रहे हैं आप संस्कृति, छोड़ रहे हैं संस्कार, और इसी की वजह से कहीं आपका परिवार बिखर तो नहीं रहा है? इसी पर खास कल आज और कल की पेशकश कल सुबह 8 बजे आप देखिएगा, उसकी झलक हम आपको दिखाते हैं, और फिलहाल हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जान लेते हैं मेष से लेके कन्या तक का राशि फल क्या है। जी, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अपना कार्य पूरी तरह ईमानदारी के साथ करें, इसके साथ धन के लाभ के आज आपके योग बनते हैं। शुभ रंग आपका लाल है, और इसके साथ भाग्य आपका साथ जागेगा 69%। वृष राशि, माता पिता का सम्मान करें, मन आपका अशांत रहेगा, शुभ रंग आपका हरा है, और भाग्य आपका साथ देगा 79%। आप बात करते हैं
मिसुन राशि की। सभी कार्य जो भी आप कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं लाभ के संकेत नजर आते हैं। इसके साथ अपनी वाणी पर संयम रखें, एक चुप और सोसुक, जुबान शीर और मुल्क गिरी, अरे जुबान से आप कुछ भी जीत सकते हैं। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य आपका जागेगा 62%। आप बात करते हैं अगली राशि कर्क की। अपनी बहन को या बहन तुल्य किसी भी व्यक्ति को उपहार आज देना आपके लिए बुध ग्रह की कृपा होगी। इसके साथ घर में आप कुछ मोहब्बत के क्षण अपने परिवार के साथ बिताएं। शुभ रंग आपका सफेद है। भाग्य आपका साथ देगा 70%। बात करते हैं सिंह राशि की। आज आपने खान पान का पूर्ण तरह ध्यान रखना है। खान पान के बारे में विषय भी हमने बताया, ये आपको कल दोपहर का बता रहे हैं। कल आपने खान पान का ध्यान रखना है। इसके साथ अपनों का साथ मिलेगा, आपके प्रियजन, आपके साली, आपकी महबूबा, आपके जितने भी प्यार करने वाले व्यक्ति आपको पूर्ण साथ देंगे। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य साथ देगा 75%। कन्या, आप अपने कार्य में व्यस्त रह सकते हैं आज कल, और इसके साथ बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मित्र देव भाव, शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ देगा 61%। चलिए अब वक्त हो गया है आपसे है हम की बात करते हैं जी। प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती वही शक्ति है नारी। जी, आपका नारी शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेष जो उपाय बताने वाले हैं आपका सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। सभी मिलाएं 10 से 16 गिलास पानी डेली पिए। दूसरी बात, 40 मिनट तक क्लॉकवाइज सैर करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ये समझो कि आपके पेट की समस्या आपके जो जीवन के साथ जुड़ी हुई है वो आपको पेट की समस्या कभी भी नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। चलिए वक्त हो गया है और राशिफल जानने का। तुला से मिन राशि का क्या है राशिफल, आचार्य जी से जानते हैं। जी, अपनी पत्नी के साथ मतभेद होने के योग बनते हैं। मतभेद मत रखिए, प्यार से बोलिए सॉरी या उनको क्षमा कर दीजिए, क्षमा मांग लीजिए। प्रॉपर्टी खरीदने के बिल्कुल योग बनते हैं। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य आपका साथ देगा 80%। वृश्चिक राशि, घर में मेहमान आने के बिल्कुल योग बनते हैं। अतिथि देव भव, रुका हुआ कार्य जो अब तक नहीं बना था बिल्कुल उसके योग अब खुल गए हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य आपका साथ देगा 71%। धनु, घर में आपके मांगलिक कार्य होने के पूर्ण तरह से योग बनते हैं, लेकिन एक बात सुनिए, पिता का सम्मान जरूर करें। पितृ देव भव, पिता का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य आपका साथ देगा 68%। बात करते मकर राशि की। विदेश जाने की अगर आप सोचते हैं तो इसके कहीं ना कहीं संकेत आपको अच्छे नजर आएंगे। मित्र आपके जिनको आपको बड़ा भरोसा है वो आपकी मदद करने को बिल्कुल तैयार है, दामन थाम लीजिए। शुभ रंग आपका नीला, भाग्य आपका साथ देगा 91%। कुंभ राशि, आज आपने कल के दिन किसी का मन नहीं दुखाना। इसके साथ धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म स्थान में जाके माता टेके। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य आपका साथ देगा 67%। अब बात करते हैं मीन राशि की। मान सम्मान समाज में आपका बढ़ेगा, लोग आपकी बहुत ही प्रशंसा करेंगे, आदर करेंगे। इसके साथ माता पिता का कहना बिल्कुल माने, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य आपका साथ देगा 85%। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए काजल अहमदाबाद से हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ चुकी है। काजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आचार्य जी से बात कर सकती हैं। जी जी, गुड आफ्टरनून गुरु जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून काजल जी, बहुत बहुत नमस्कार। यस यस, मेरा काजल नाम है और मेरा डेट 15/5/83 जी, और इवनिंग 17/15 अहमदाबाद को, 17:15 शाम के अहमदाबाद गुजरात में जी। मेरा सवाल ये है कि मैं कैरियर में बहुत आगे राइज करना चाहती हूँ और काफी ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहती हूँ, तो कब ये प्राप्त होगा और शादी कब मेरा होगा? जी सुनिए, मूलांक आपका 6 जो शुक्र का कारक है, इसका संबंध ग्लैमर के साथ है, बड़ा शोर सज्जा के साथ है, और आपका भाग्य अंक 5 है। अब इसमें मैजिक देखिए क्या है, 15, 1 और 5 वहां भी बुध है,
महीना भी पांच है, वो भी पांच का अंक बुध है, राशि आपकी अंक भी मूलांक छह शुक्र का है, राशि आपकी वृष है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सूर्य का जो राशि बनती है वो भी शुक्र का है, और इसमें क्या है कि आपका पर्दे के साथ लगना या पर्दे के साथ आपका करियर बनना, कला क्षेत्र में ऊंचे जाना या ग्लैमर के साथ वर्ल्ड का होना या वस्त्र का काम करना आपके लिए बहुत ही कमाल कर सकता है। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि इस कुंडली में शुक्र और शनि और बृहस्पति इनकी कृपा नहीं है, जैसे 83 आपका बर्थ आता है उसमें आपको कई प्रकार की समस्याएं आ रही। आपने क्या करना है, पहली बात तो क्या है 40 दिन लगातार शनिवार को सायंकाल को 5 और 6 बजे के बीच में आपने दीपक जलाना है काला रंग करके। दीपक जलाते वक्त आपने ओम शांत सचिराय नमः 11 बार इसका मंत्र का जाप करना है, और इसके साथ आपने एक पुखराज जिसका वेट कम से कम 5.25 थी उसके ऊपर बृहस्पति यंत्र बना हुआ हो तर्जनी उंगली में प्राण प्रतिष्ठा करके इसको धारण कर लीजिए। जहां तक आपकी शादी के समय का प्रश्न है, शादी के आसार अभी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते, ये योग आपको कम से कम 2 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, और इसके लिए आप गुरु चंडाल का उपाय करवा लीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए रतलाम से संगीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। संगीता बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए आचार्य जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ जी संगीता जी नमस्कार। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी आप किस पुत्र का क्या नाम है? उसका जन्म है 9/1/1990 शाम को 5:30 बजे। जी रतलाम जी। उसके सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी पंडित जी, कब तक लगेगी? देखिए मूलांक इनका 9 जो मंगल का कारक है और अग्नि तत्व है, और दूसरी बात 1990 इसमें भी 9 का अंक सारी डेट ऑफ बर्थ में 9 का अंक 3 बार आया है जो मंगल अग्नि तत्व है, 1 का अंक 2 बार आया जो अपने आप में वो भी सूर्य का अग्नि तत्व है। इसमें क्या है कि आपका बच्चा थोड़ा सा हटी हो सकता है, आपकी मनमानी कर सकता है, नौकरी करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट कर सकता है, नौकरी छोड़ सकता है, अपने बॉस की बात को इनकार कर सकता है, या ये कह सकता है कि मेरी नौकरी मेरे मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार की समस्या आ सकती है। इसके लिए आप क्या करें, पानी की मात्रा बच्चे को बढ़ाइए, पानी ज्यादा पिए, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं, और जहां तक समय का प्रश्न है इस बच्चे का अपना समय बिल्कुल इस वक्त बना हुआ है, इसकी अपनी जॉब 27 अप्रैल 2017 से पहले पहले चाहे 40 घंटे के अंदर लग जाए, इतना प्रबल योग है। बस थोड़ा सा उसको आशीर्वाद दीजिए, जो उपाय बताए हैं वो करिए, नौकरी लग जाएगी। ऑल द बेस्ट। हमारी अगली कॉलर मुंबई से है, रेखा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेखा आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सवाल पूछ सकती हैं। जी रेखा जी गुड आफ्टरनून। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। आचार्य जी मुझे मेरे बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ 14 फरवरी 1986। जी समय समय और जन्म का स्थल रेखा बताइए। समय सुबह का 6 बजे। जी पनवेल। जी मुंबई पनवेल। क्या सवाल है रेखा जी आपका? मैडम हेलो। जी जी, जी बताइए। हाँ मैडम मैं काम की वजह से इधर रेलवे स्टेशन में गई थी परसों, तो एक लड़का था मतलब उन्होंने मुझे कहा मैडम मेरे मोबाइल पे बैलेंस नहीं है, मुझे 2 मिनट फोन करने के लिए मोबाइल दो। तो मैंने उनको मोबाइल दिया और मेरे साथ छोटा बच्चा था तो चॉकलेट बोल रहा था, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा उनको मोबाइल दिया और मैं उसे चॉकलेट लेने के उधर ही थी तो मोबाइल देख ही भाग गया, और वो बच्चा बहुत से रोता है मोबाइल की वजह से। सर कोई बात नहीं जी, ऐसा है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आप पुलिस में कंप्लेंट लिखवाएंगे आपका मोबाइल 100% मिल जाएगा 90 दिन के अंदर अंदर। दूसरी बात, जहां पर बच्चे की मन की बात है उसके लिए आप क्या करें, बच्चे को आप धर्म स्थान पे जाके 5 बुधवार माथा टिकाइए, और इसके साथ आप बच्चे को गोद में लेके या बच्चे को सामने रखकर आप उसको ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चे का आत्मबल बढ़ेगा और आपको बिल्कुल शक्तिहीन होने की बात नहीं, क्योंकि इसमें क्या रेखा जी आपका अपना समय इस वक्त बहुत उत्तम चल रहा है। कई बार क्या होता है एक नुकसान हुआ और दूसरा लाभ हो गया, कुछ ना कुछ इसके लिए अच्छा ही लिखा है, एक चीज के नुकसान से आप घबराइए मत, कुछ ना कुछ और अच्छा होगा, उसके लिए तैयार रहिए, एक शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट।
और कल आज और कल में अब वक्त हो गया है इजाजत लेने का. आचार्य पी खुराना जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. आचार्य जी बिल्कुल जी, मुलाकात आपके साथ बिल्कुल होती रहेगी. बिल्कुल. आपके साथ बात करने के हम बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं. बिल्कुल. आप बिल्कुल मिलते रहिए, हम आपसे बात करते रहिए. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं कि कल 2 बजे कल आज और कल में आपके लिए क्या कुछ खास है, देखिए उसकी एक झलक. देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में. उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर.
नोटबंदी पर राज्यसभा में चर्चा, विपक्ष की तरफ से बोले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कहा सरकार की गलत नीतियों की वजह से जनता परेशान। नोटबंदी के बीच शादी का कार्ड लेकर संसद पहुंचे क्रिकेटर युवराज सिंह, अपनी शादी का पीएम और मंत्रियों को देंगे इन्विटेशन। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की बैठक से विपक्ष ने किया किनारा, 28 तारीख तक विपक्ष का बात करने से इंकार, हंगामे के चलते दोनों सदनों में बवाल। आईओसी पर नापाक पाकिस्तान की हरकतों का, भारत ने दिया करारा जवाब, पाकिस्तान के कैप्टन समेत 6 जवानों को किया ढेर। आज रात से अस्पताल और पेट्रोल पंपों पर नहीं चलेंगे पुराने 500 और 1000 के नोट, नोटबंदी के कारण सरकार ने दी थी इन जगहों पर नोट बदलने की सुविधा। और नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर थामेगी कांग्रेस का दामन, पंजाब में जीती कांग्रेस तो डिप्टी सीएम बनेगी कौर, 28 नवंबर को नवजोत कौर और परगट सिंह होंगे कांग्रेस में शामिल। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी। मनीष जी से हम बात करेंगे केंद्रीय नीतियों को लेकर, कांग्रेस की नीतियों को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर। मनीष जी, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल ये है कि कांग्रेस आखिर मोदी की नीतियों से इतना खफा क्यों है? क्या मोदी की नीति कांग्रेस को सूट नहीं कर रही है या फिर देश को सूट नहीं कर रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई नीति है ही नहीं, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक का फरमान है। और देश का कामकाज इस तरह से नहीं चलता कि आप एक दिन खड़े होके ये ऐलान कर दो कि आज से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद। इस देश में 65% लोग कृषि पर निर्भर है, कृषि के ऊपर कोई कर नहीं है। आपको भी मालूम है कि भारत के ग्रामीण इलाके में जो ज्यादा लेन देन होता है वो खुरदरे में होता है, कैश में होता है, चाहे वो व्यापारी और किसान और आढ़तीय के बीच हो, छोटे कंज्यूमर और दुकानदार के बीच हो। तो इसलिए ये मान लेना कि जिस व्यक्ति के पास कैश है उसके पास काला धन है, ये बुनियादी तौर पे ही गलत सोच है। और अगर प्रधानमंत्री को यह करना ही था तो लोगों को समय दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल, यहां सवाल ये उठता है कि अगर समय दिया जाता तो जिस पर ये, जिसके लिए इन्होंने ये कदम उठाया, वो सतर्क नहीं हो जाते? वो पैसे को इधर से उधर नहीं कर देते? ये एक सवाल तो है उनके तरफ से, जो समय नहीं देने का मतलब ये रखता है। देखिए, सवाल ये है कि पैसे इधर उधर करने का क्या मतलब है? आपने घोषणा कर दी, आपके घोषणा करने के बाद आप ये सोचते हैं कि जो कथाकथित काला धन है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जो कल पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम साहब ने आंकड़े दिए हैं कि 86.4% जो वैल्यू के हिसाब से करेंसी सर्कुलेशन में है उसमें वो सारी 5000 या 100 के नोट में है। तो 86% अगर करेंसी वैल्यू के हिसाब से 500 और 1000 रुपए के नोट में है तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो चंद लोगों के हाथों में है, ये पूरे समाज के हाथ में है। अगर आप किराने की दुकान पे भी चले जाओ, आज 50 या 100 रुपए में मिलता क्या है? 1000 और 500 का नोट खत्म करने से काला धन खत्म हो जाएगा? ये एक बिल्कुल गलत सोच है। जिनके पास काला धन है वो काला धन कैश में नहीं रखते, वो जिनको काला धन कमाना आता है उनको उसको इन्वेस्ट भी करना आता है। बिल्कुल, अभी अभी देखा जा रहा है कि अफरा तफरी तो है, बैंकों पर अफरा तफरी है, जहां तहां लोग सोच रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं चल रहा है क्या करें ना करें पैसे का, कैसे जो पुराने पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन भविष्य में कांग्रेस के एक नेता की हैसियत और एक कहीं माने जाने वकील की हैसियत से आप क्या देख रहे हैं कि कैसा प्रभाव पड़ेगा देश? कुछ नहीं होगा, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, 1978 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 1978 में भारत में आतंकवाद नहीं था, भारत में आतंकवाद 1980 में शुरू हुआ और 1980 से 2016 तक जो आप टेरर फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, 1978 के डीमोनेटाइजेशन का उस पर कोई असर नहीं पड़ा।
जो 500 का नोट छाप सकता है वो कल 2000 का भी नोट छाप सकता है। तो अगर आप आतंकवाद की फाइनेंसिंग को रोकना चाहते हैं तो आपको हवाला पे रोक लगानी पड़ेगी, बैंकों में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, बेना